हम लोगों के तीन चॉपर यहाँ होने चाहिए थे right. जिसमें से एक चॉपर यहाँ पर है okay. हेलीकॉप्टर आई मीन टू से ओके दो हेलीकॉप्टर पिछले चार दिन से एक डेहराडून से यहाँ आने के लिए दूसरा जम्मू से यहाँ आने के लिए मौसम की वजह से अटके हुए हैं ओके okay. अगर वो दो यहाँ होते तो मैं शायद आप लोगों को बात ही नहीं सर, कर रहा सर उसका सोल्यूशन एक मिनट लेट मी प्लीज लेट मी फिनिश राइट मैं आपकी सबकी सुनूंगा आप मेरी सुन लीजिए आई डोंट वांट टू कीप यू इन डार्क आई वांट टू टेल यू व्हाट द सिचुएशन इज ओके एक चॉपर यहाँ पर है कल पहला दिन था कल के अभी सुनिए एक चॉपर दिन में ज्यादा से ज्यादा 40 शटल कर सकता है 40 और उसमें अगर 6 के 6 पैसेंजर जो ले जा सकता कैपेसिटी और सबके सब में 40 में 6 लेके गया सब में 6 नहीं जाएंगे बारी भी होंगे कहीं 5 भी जाएंगे कहीं कम भी जाएंगे तो 240 मैक्सिमम पैसेंजर ले जा सकता है ठीक है जी कल फ्लाइंग लेट शुरू हुई कल पहला दिन होने की वजह से उसका वो लाइव करना था उन्होंने तो 8:30 बजे के बाद फ्लाइंग शुरू हुई तो मॉर्निंग के 2.5 घंटे फ्लाइंग नहीं हुई ठीक है जी कल हमने सिर्फ 37 शटल्स करी जिसमें 208 लोग गए ठीक है जी जाने थे लगभग 500 से ऊपर 208 लोग गए चलिए कॉल करता हूँ मैं ठीक है जी ओके उसके बाद जो पैसेंजर बच गए जिनकी बुकिंग थी उनसे हमने ऑप्शन दिया जो लोग कैंसिल करा के पैदल या खच्चर से जाना चाहें जा सकते हैं तो बहुत से लोगों ने अपनी टिकट कैंसिल करवा ली और रिफंड के लिए कैंप डायरेक्टर साहब ने भी उसमें मोहर लगा दी हमने भी रिफंड के लिए उसमें मोहर लगा दी ठीक है जी उसका प्रोसीजर कैंसिलेशन का ये है जब हमने स्टैंप लगा दी कैंसिल ड्यू टू टेक्निकल रीजन कैंप डायरेक्टर साहब हैं श्राइन बोर्ड के इन्होंने स्टैंप लगा दी कैंसिल तो आपने उसको PDF बना के ईमेल आईडी जो श्राइन बोर्ड की है उस पर सबमिट करना है रिक्वेस्ट फॉर रिफंड दैट थ्रू द यो जैसे आपने वेबसाइट बुकिंग की थी उसके थ्रू आपको रिफंड आएगा दैट इज सेपरेट तो कुछ लोगों ने कैंसिल करा दी कुछ लोग कहते नहीं हमें आप कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करिए 112 लोगों को कल जो उड़ने वाले थे आज कैरी फॉरवर्ड किया ठीक है जी 112 अगर आप 6 से डिवाइड करें हाउ मेनी शटल इज कम टू किसी का मैथ्स अच्छा हो तो बताएं प्लीज सब मेरा एक क्वेश्चन है एक मिनट ट्वेंटी नियर अबाउट 22 नियर अबाउट 22 22 शटल वन आवर टेक्स 4 शटल्स ओनली फॉर अबाउट 20 शटल मीन हाउ मेनी आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स ऑफ फ्लाइंग इज टू बी डन फॉर यस्टरडेज बैकलॉग देन द टुडेज पीपल विल स्टार्ट ओके देयरफॉर कैंप डायरेक्टर साहब से बातचीत करके हमने ये तय किया है 6 से 9 वाले स्लॉट के जो लोग हैं टिकट जिनकी बुक है आज की सिर्फ उनको ही अंदर बुलाया जाए 9 से 12 वालों को होल्ड में रखा जाए पर अंदर ना बुलाया जाए 12 से 3 और 3 से 6 वालों को स्ट्रेट अवे ऑप्शन है कैंसिल करवाइए अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं आप एक मिनट लेट मी फिनिश लेट मी फिनिश सर आप उधर खड़े हैं लेट मी फिनिश पब्लिक के साथ हो रहा लेट मी फिनिश कोई बात नहीं सुन ले आपने मुंह ही ला दिया लेट मी फिनिश सफर कर रही है आप यहां से लेट मी फिनिश कोई बात नहीं सर बताइए लेट मी फिनिश प्लीज प्लीज लेट मी फिनिश प्लीज कंटिन्यू 12 से 3 3 से 6 वाले यात्री अपने टिकट कैंसिल करवा सकते हैं ठीक है जी और 9 से 12 वाले प्लीज होल्ड करें जितने को जा सकेंगे वो जाएंगे अदरवाइज उनको कल के लिए कैरी फॉरवर्ड के ऑप्शन देंगे सर आप एक चीज बताइए आपने इसको कैंसिल कर दिया जो लोग श्रीनगर से फ्लाइटों पे आए उनके पैसे कौन देगा और रिफंड कौन करेगा सर इतना मैनेज कर सकते हैं यदि आपकी ग्लोबल वेंचर है पवन हंस है कुछ उनसे भी आप उनसे मैनेज कर सकते हैं कि और आपके पैसे हम ले जाएंगे श्रीनगर से पाए हैं उनके पैसे कौन देगा इन्होंने ना मुंह ही ला दिया पैसे लेकर टेंडर ले लिया आप है ना लोग ये सर झूठे लोग ग्लोबल से रिक्वेस्ट करेंगे उनसे करेंगे सर अगर कल सोशल का मतलब बनता है आप देख रहे हैं बड़ो मजा है श्राइन बोर्ड ने अप्रूव भाई किया आपकी फैमिली के साथ ऐसा हो गया उसने बता रहा क्या हुआ आप ये कि हमारे आप ले जाइए बाकी बाहर आने वाले पार्टी आपके बराबर में वो उनको कहेगी सर एक काम करिए क्यों से उतार दिया पैदल चलिए अपना फिर कुछ क्या करते हो हम लोग वो क्या खड़े उनको मूर्ति बना दो तुमने जम्मू से नहीं आता तो लोगों को ऑर्डर दे सकता है अरे सुनिए जम्मू से नहीं आया डेहराडून से नहीं आया है ही नहीं बात थके सारे चौड़े ने जिसका खर्चा हुआ उसका क्या होगा सर जिसकी फ्लाइट की टिकट क्या होगा सर आप बताइए ना सर आप शाइन बोर्ड है आप शाइन बोर्ड ऑर्डर दे सकते हैं ना दोनों ग्लोबल को क्या टिकट नंबर लेंगे ये चीज बताइए ना ये चीज बताइए भैया भैया वो कहां जाएंगे सुन लीजिए भाई सुन लीजिए ताकि अमित शाह के ठप्पे सारे नहीं सुन 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 कोई बात नहीं लगा के बाबा लोग चुप भैया 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 एक मिनट शाइन बोर्ड ऑर्डर के आपने का ठप्पे मार दिए नहीं नहीं आप टिकट नंबर लगे आप दोनों कंपनियों को कहिए कि हमें लेके जाए होते ना सऊदी अरब में तो नंगा अगर गोली मारते अगले तब पता लगता जाए नहीं जाए आप अथॉरिटी हैं आप शाइन बोर्ड अथॉरिटी हैं
नहीं हाँ नहीं बोलिए। देखिए जी तो आराम से श्राइन बोर्ड के कैंप डायरेक्टर साहब सुनिए आपके पास पूरी यात्री की अथॉरिटी है, सुन तो लो ना यार, सुनेगा तो सुनो। देखिए सबसे पहले जो आपका आक्रोश है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दोष नहीं है। देखो बात सुनो, अभी हम सिर्फ एक पॉइंट का जवाब देंगे जो भाई साहब ने रेज किया। देखिए सिचुएशन जब कोई ऐसी बन जाती है तो उसमें सोल्यूशन निकालना है, जिसको सोल्यूशन अच्छा लगे तो माने, जिसको नहीं लगे तो नहीं माने, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। सुन लेने सुन लो ना यार, आपके अलावा बाकी लोग भी हैं सुनने वाले, आपके अलावा भाई साहब आपके अलावा बाकी लोग भी हैं सुनने वाले। हाँ क्यों नहीं रखेंगे सर, आपने बोल दिया चॉइस है तो चुनिए। तो एक बात कही है, आपने इनको टेंडर देते हुए देखा था इनके पल्ले क्या बोलिए, अल बन गया पैसा इनके पल्ले नहीं है। सर मौसम अच्छा बना सर, जम्मू दे रहे तो भाई साहब बड़ा अच्छा।